तारीख 7 अप्रैल साल 2023 दिन शुक्रवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और टीवी 9 डिजिटल चैनल पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। आज हम और आप बेबाक बात करते हैं एक बेखौफ तानाशाह की, उस तानाशाह की बेबाक दो टूक खरी खरी बात जिसकी जिद ने बीते एक साल से ब्रिटेन, नाटो और अमेरिका से धूर्त देशों के दोस्त यूक्रेन को तबाह कर रखा है अपने ही हजारों बेकसूरों की लाशों के ढेर के बीच। सोचिए कि ऐसे भी किसी देश का कोई तानाशाह अपनी अकाल मौत के खौफ के साए में इस इंसानी दुनिया में बेचैनी के आलम में चहलकदमी करने को मजबूर या लाचार हो सकता है, जो बीते 12-13 महीने से किसी देश में दिन रात सिर्फ और सिर्फ लाशों के ही ढेर लगाने में जुटा हो। टीवी 9 डिजिटल चैनल पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद श्रोता ही क्या, दुनिया का कोई भी इंसान यही कहेगा कि भला एक साल से किसी देश की सरजमी को लाशों से पाट देने वाले तानाशाह के जहन में जमाने में अपनी अकाल मौत यानी कि कत्ल का खौफ कौन पैदा कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सच यह है कि यूक्रेन के भीतर रूह कपाता खूनी मंजर बीते एक साल से पेश करवाने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीते कुछ महीनों से अपनी संभावित अकाल मौत यानी कत्ल कर दिए जाने की आशंका की काली छतरी के नीचे खड़े खड़े ही सोने और जागने को बेचैन कहिए या फिर मजबूर है। उन्हें खौफ सता रहा है कि उनके दुश्मन नामालूम कब उनके ही किसी अपने से विश्वासघात करवाकर उन्हें कत्ल करवा डाले। रूसी फेडरल प्रोडक्शन सर्विस यानी FSO के पूर्व कप्तान ग्लेब काराकुलोव ने हाल ही में जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा को लेकर किए जाने वाले कुछ आश्चर्यजनक उपायों का खुलासा किया तो दुनिया में बवाल मचना था और मच गया। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार काराकुलोव ने एक खुफिया ट्रेन नेटवर्क और अपने ठिकाने को छिपाने के लिए अलग अलग शहरों में एक जैसे ऑफिसों के बारे में भी इशारा किया है। उन्होंने दुनिया को चौंका देने वाले खुलासे एक राजनीतिक सूचना संगठन डोजियर सेंटर के साथ खास इंटरव्यू में बयान किए हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। यही कारण है कि वह कहीं आने जाने के लिए अब हवाई जहाज को छोड़कर बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं। काराकुलोव ने खुफिया ट्रेन नेटवर्क की पुष्टि करते हुए कहा है कि गुप्त नेटवर्क में ट्रेन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। पुतिन के कुछ सबसे खुफिया संदेशों को प्रसारित करने में मदद करने वाले और अपनी अकाल मौत से बेखौफ काराकुलोव ने रूसी राष्ट्रपति को युद्ध अपराधी तक करार दिया है। बिना ये याद रखे कि यूक्रेन से खूनी होली शुरू होने के बाद से जब जब भी और जिसने भी रूस या फिर पुतिन की खिलाफत में खुलकर मुंह खोला है तब तब वे सब इस दुनिया से रहस्यमय हालातों में विदा किए जा चुके हैं। काराकुलोव ने आगे कहा कि पुतिन अपनी जिंदगी को लेकर खासे सहमे सहमे से हैं। यहां तक कि अपने संभावित कत्ल के खौफ के साए में जी रहे पुतिन ने अब तो अपने साथ फायर फाइटर्स, फूड टेस्टर और इंजीनियर भी विदेशी दौरों पर ले जाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे पुतिन को बॉस कहते हैं और हर तरह से उनकी पूजा करते हैं। काराकुलोव ने अपनी सुरक्षा सेवा की रिपोर्ट्स पर पुतिन की निर्भरता का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के परिणामों से खबरदार रूसी तानाशाह व्लादिमीर पुतिन ने मोबाइल फोन या इंटरनेट तक के इस्तेमाल को अलविदा कह दिया है ताकि उनकी सुरक्षा में कोई किसी भी तरह से सेंध लगा ही ना सके। काराकुलोव के दावे के मुताबिक तो 2020 में कोविड महामारी के बाद से पुतिन के व्यवहार और जीवन शैली में जबरदस्त बदलाव आ चुका है। पुतिन ने तभी से लगभग सभी यात्राएं और अपनी सार्वजनिक मौजूदगियां तकरीबन ना के बराबर कर दी हैं। काराकुलोव के दावों में अगर दम है तो उनके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के सेंट पीटर्सबर्ग, सोची और नोवो ओगारियोवो जैसे इलाकों में एक से एक यानी हूबहू हुलिया सजावट और बनावट वाले कई दफ्तर खोले जा चुके हैं ताकि दुश्मन की आंखों को धोखा दिया जा सके। पुतिन की खुफिया सेवाएं विदेशी जासूसी से बचने और पुतिन की हत्या के लिए उनके ऊपर किसी भी वक्त होने वाले हमले से पुतिन को महफूज रखने के लिए नकली मोटरसाइकिलों और विमानों का इस्तेमाल तक पुतिन के सुरक्षा बेड़े में शामिल एजेंसियों ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन ने खुद को क्वारंटीन के अवैध बैरियर में से घिरवा रखा है। अगर मैं ये कहूं तो झूठ नहीं होगा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद क्वारंटीन में रहते हैं और उनके सुरक्षा बेड़े में शामिल किए जाने वाले संभावित लोगों को भी 2 हफ्तों के क्वारंटीन से गुजरना पड़ता है। यही सब वजह है कि जिन्होंने पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मिलने वालों की संख्या को घटाकर नगण यानी ना के बराबर कर दिया है।
आधी दुनिया को खौफ में डालने के बाद अब अपने ही संभावित हत्या के खौफ के साए में जाग और सो रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खौफ में आ जाने की दो टूक खरी खरी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। सोमवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।